खबर गोंडा जनपद से, जहां पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोंडा शहर की जगह जगह कमिश्नर आवास के बगल दुर्गा मंदिर व टॉमसन चौराहे के पास स्टॉल लगाकर हलवा पूड़ी खिचड़ी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं गुरुनानक चौराहे पर भी खिचड़ी भंडारे का किया गया आयोजन। वहीं गर्म कपड़े और अन्य प्रकार का सामान जरूरतमंदों को दान किया गया। कर्नलगंज सरजू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेरा नाम जमदा प्रसाद गुप्ता है। मैं आवाज विकास का निवासी हूँ। टॉमसन चौराहे पर हमारी दो दुकानें हैं और इस चौराहे पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है और साथ ही साथ मकर संक्रांति का भंडारा हो रहा है। मकर संक्रांति का भंडारा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे खगोल शास्त्रियों ने मुझे बताया कि आज के दिन सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर चमकती हैं, इस कारण मौसम का परिवर्तन होता है। दूसरा कारण, भगवान भास्करानंद, भगवान सूर्यदेव उत्तरायण से दक्षिणायण से उत्तरायण में उदय हुआ है, आज ही के दिन स्वर्ग का अवतरण पृथ्वी पर हुआ है। इस अवसर पर इस छोटे से भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रसादे में औषधीय गुण आते हैं। ये ऐसा अवसर आता है जिससे जनमानस इस प्रसादी को पा करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। पर मंदिर है, आज किस चीज का भंडारा आप कर रहे हैं? बाबा राम स्वरूप दास मेरा नाम है। दीवानी चौराहे कमिश्नर साहब के बंगले में मंदिर है, उसका मैं पुजारी हूँ। आज मकर संक्रांति की भंडारा चल रहा है, उसी को मैं कर रहा हूँ। कब से कर रहे हैं? सवेरे करीब 10:30 बजे से। मैं ये आठ ही दिन से, कम 10 साल से हो रहा है।